हेलो लर्नर्स, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो यूजीसी नेट पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन यूनिट 3 जिसमें लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है। इस यूनिट का और भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसे देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आज का यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहे, पॉजिटिव व्यू के साथ हम लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गार्डनर का पढ़ चुके। तो उस इंटेलिजेंस को असेसमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। इसी में आपको जानकारी मिलेगा आईक्यू के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। तो बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी से। इससे पहले मैं एक बार आपको सिलेबस बता देता हूं, क्योंकि हमें सिलेबस मालूम होना चाहिए। करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको एक डायरेक्शन देती है। देखिए सिलेबस, हम लोग जो ये वीडियो है यूनिट 3 लर्नर एवं लर्निंग प्रोसेस का है। हम लोग ऑलरेडी सेक्शन A का पूरा पढ़ चुके हैं। सेक्शन B में भी ये पूरा ये सेक्शन हो चुका है। अब आज का ये वीडियो होगा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। काफी इंपॉर्टेंट और आपके करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को कैसे असेस करेंगे, तो इंटेलिजेंस को असेस करने के तरीके हैं। तो उसमें से आइए देखते हैं क्या है। द एब्रिविएशन IQ एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसको बोला जाता है, उसी का एब्रिविएशन। वाज कॉइंड बाय साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। देखिए आपको कई बार पूछा जा चुका होगा, सीटेट में तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। आईक्यू जो वर्ड दिया था, एब्रिविएशन दिया था, किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने, फॉर जर्मन टर्म इंटेलिजेंट क्वेश्चन। एक जर्मन टर्म है। हिज टर्म फॉर स्कोरिंग मेथड फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ University of Barcelona he advocated in a book 1912 में। ये बुक में इस वर्ड को IQ को सबसे पहली बार विलियम स्टर्न ने दिया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The first of these test was developed by French psychologist Alfred Binet, who was commissioned by the French government to identify students who would face the most difficulty in a school। अब इस तरह का IQ को जो मेजर करने का तरीका, फाइंड आउट करने का तरीका, जो सबसे पहली बार अल्फ्रेड बिनेट ने फाइंड आउट किया था। याद रखिएगा स्टर्न ने IQ वर्ड को दिया था, टर्म दिया था। अगर आपको पूछा जाए कि हु कॉइंड द टर्म IQ, आंसर विल बी विलियम स्टर्न। बट किसने फाइंड आउट करने का सबसे पहले तरीका दिया था? अल्फ्रेड बिनेट। याद रखिए एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। और ये किसलिए दिया था? टू गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु वुड फेस द मोस्ट डिफिकल्टी इन स्कूल। स्कूल में किस तरह के बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी होती है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अल्फ्रेड बिनेट ने IQ का एक फॉर्मूला दिया था, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। The resulting 1905 Binet-Simon scale become the basis for modern IQ testing. Modern IQ testing के लिए the commonly used Stanford Binet IQ test, the WAIS adult intelligence scale, ये सब का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये IQ से रिलेटेड है। WAIS का मीनिंग होता है WAIS adult intelligence scale। फिर से एक बार बोल देता हूँ, WAIS adult intelligence scale and the WAIS intelligence scale for children, WISC, WAIS intelligence scale for children are all standardized tests designed to test intelligence, है ना। अब IQ के बारे में पढ़ते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसको IQ कहा जाता है, मेजर ऑफ इंटेलिजेंस दैट टेक्स into account a child's mental and chronological age। देखिए इसमें दो वर्ड आता है, एक mental age, एक chronological age। mental age और chronological age। chronological एज का मतलब उसका जो रियल एज है, यानी जिस उम्र में है बच्चा, और मेंटल एज का मतलब ये है कि उसकी एज कुछ है लेकिन उसका एबिलिटी कुछ ज्यादा या कम है। सपोज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बच्चे की उम्र 10 साल की है, एक बच्चे की उम्र 10 ईयर है, बट उसकी जो एबिलिटी है किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसकी 15 ईयर वालों की मतलब जो 15 साल में बच्चे जो एबिलिटी होती है वो अभी 10 साल में ही है। तो उसका मेंटल एज हो जाएगा 15 ईयर और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगा 10 ईयर, यानी उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज होता है और मेंटल एज। और या सपोज इस तरह से भी हो सकता है, अगर बच्चा 10 साल का है लेकिन उसकी सोचने की एबिलिटी 6 साल के बच्चों के है तो उसमें केस में भी क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल और जो मेंटल एज होगा 6 साल। तो इस तरह से मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम या ज्यादा हो सकता है। इसी को फाइंड आउट किया जाता है आईक्यू स्कोर, फाइंड आउट किया जाता है आईक्यू इक्वल्स टू MA/CA × 100। इसको याद रखेगा, MA का मीनिंग क्या है मेंटल एज डिवाइडेड बाय CA क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई विद 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। मेंटल एज MA द टिपिकल इंटेलिजेंस लेवल फाउंड फॉर पीपल एट अ गिवन क्रोनोलॉजिकल एज। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्रोनोलॉजिकल एज का क्या मीनिंग होता है, द एक्चुअल एज ऑफ चाइल्ड टैकिंग द इंटेलिजेंस। जिस बच्चे का आपको इंटेलिजेंस फाइंड करना है उससे तो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए क्रोनोलॉजिकल एज 10 है और मेंटल एज 15 है सपोज, तो अगर 15/10 × 100 करेंगे तो कितना आएगा 150। दैट मीन्स उस बच्चे का जो आईक्यू स्कोर क्या हो जाएगा 150। इसी तरह से आप इसको एज को चेंज करके आप आईक्यू स्कोर फाइंड कर सकते हो। कभी कभी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्वेश्चन में गिवन होता है और आईक्यू फाइंड करने देता है, या कभी कभी आईक्यू दिया हो रहता है और मेंटल एज दिया है क्रोनोलॉजिकल एज फाइंड आउट करना। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन या फार्मूला पर पुट अप करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। देखिए एक पॉइंट है आपको इस टेबल को याद रखना है कि ये जो अगर आप सभी बच्चों को देखेंगे, हर तरह के बच्चों को शामिल करेंगे तो सभी बच्चों का आईक्यू अगर हम ग्राफ में पुट करें ना तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ देता है। इसको बोला जाता है एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में क्या होता है कि इसमें देखिए कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो एवरेज में आते हैं और कुछ बच्चे एकदम हाईएस्ट में आते हैं और कुछ बच्चे इस तरह से एक्सट्रीम की तरफ होते हैं, टू टेल की तरफ होते हैं। तो ये आपका आईक्यू है। देखिए जी 100 वाले इतना है, अगर 90 से या 110 से इतना आपको मिलेगा, बाकी इस तरह के बच्चे इतना। 60 जिसकी आईक्यू 60 से 70 है उसके लिए पोर्शन ये है 70 to 80 इतना है। इसी तरह से बाकी आप देख सकते हो। देखिए कि डेटा है, डेटा किसी किसी जगह थोड़ा बहुत चेंजिंग मिल जाता है बट एक बार आपको देखना जरूरी है। यहाँ इस साइड में आपको आईक्यू स्कोर दिया हुआ, यहाँ क्लासिफिकेशन है, उसके बाद कितने परसेंट मेल और फीमेल पाए जाते हैं। 130 या 130 से मोर अगर किसी बच्चे का आईक्यू है तो उसको वेरी सुपीरियर के लिस्ट में रखा जाता है, वो बहुत सुपीरियर होगा। और इस तरह के बच्चों का एक्चुअल जो कितने परसेंट पाए गए हैं ये डेटा अवेलेबल नहीं है। वैसे बच्चे जिसका आईक्यू 120 से 129 है उसको सुपीरियर माना जाता है। इस तरह के मेल 4.6% होते हैं, फीमेल 2.5%। डाटा वेरी कर सकता है। 110 से 119 के बीच को नॉर्मल ब्रिलियंट बच्चे कहा जाते हैं। इस तरह के 18.7 और 10% है। 90 से 109 इसको नॉर्मल की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे बच्चे जिसके आईक्यू 90 से 109 के बीच नॉर्मल है, उसके बाद 80 से 89 के बीच नॉर्मल एक्वर्ड कहते हैं। 70 से 79 के बीच बॉर्डर लाइन है और 78 से कम बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन की एक कैटेगरी में रखा जाता है। इस तरह के 1.5 मेल और 2.5 फीमेल पाए गए। इस तरह के डाटा है, आप याद रखिएगा। एटलीस्ट आप परसेंटेज याद रहे या न रहे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। IQ टेस्ट दैट मेजर्स इंटेलिजेंस आल्सो इंक्लूड। सिर्फ ये बिनेट का जो साइमन का IQ टेस्ट MA/CA × 100 ही IQ मेजर नहीं करती, बल्कि उसमें और भी कई सारे तरीके हैं। कुछ का नाम मैं यहाँ दे दिया हूँ, जिसको आप लोग देख लीजिए। IQ टेस्ट करने के लिए रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कैटल कल्चर फेयर 3, रेनॉल्ड्स इंटेलेक्चुअल असेसमेंट स्केल्स, थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, कॉफमैन ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट, मल्टीडाइमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी 2, डैश नेगलेरी कॉग्निटिव असेसमेंट, नेगलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट। ये सब कुल मिलाकर कुछ IQ टेस्ट का नाम है। अगला जो टॉपिक होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें हम लोग सीखेंगे आज की ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, जिसका नाम आप लोग पहले से सुनते आ रहे हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन साइकोलॉजी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन लाइफ। लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो वही सारी स्ट्रेटेजी को ही हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकोलॉजी प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम का क्या मीनिंग होता है। प्रॉब्लम को ही पहले समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज अकरिंग। जो हो रहा है और जो आप एक्सपेक्ट करते, उसके दरमियान, उसके बीच का जो गैप हो जाता है या डिस्टेंस होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज अकरिंग। जो हो रहा है और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उनको दरमियान जो डिस्टेंस है, उसके दरमियान जो गैप है, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग is the work of reducing the distance between what is expected and what is occurring. Problem solving के जरिए हम उन दोनों के गैप को क्या करते हैं, ब्रिज कर देते हैं। उन दोनों के बीच का गैप को कम कर देते हैं। What is occurring and what is expected के बीच के जो गैप है, उसको हम कम करने को ट्राई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी के जरिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेशन, कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्टेड थिंकिंग टुवर्ड्स अ गोल सॉल्यूशन, द टास्क इज टू चूज द बेस्ट प्रोसेस दैट विल लीड टू गोल। है ना, एक गोल को सॉल्व करने का मतलब एक प्रोसेस है, डायरेक्टेड है, गोल ओरिएंटेड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें हम ये चूज करते हैं कि उस गोल को हासिल करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा। फर्स्ट साइकोलॉजिकल स्टडीज बाय वोल्फगैंग कोहलर, इनसाइटफुल लर्निंग आपने सुना होगा। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें भी वही था प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का जो स्टडी किया था, वो था वोल्फगैंग कोहलर का। उसने नाम था इनसाइटफुल लर्निंग। अब एक पेज लिया गया, इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के रिसर्च पेपर से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना स्टेप्स को देखते हैं। तो स्टेप्स में सबसे पहला काम तो आप फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन एंड देन डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लास्ट इज इवेलुएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। This is the problem solving cycle. फिर से एक बार देख लेते हैं। Problem identification, सबसे पहले problem को identify करेंगे, definition of problem, constructing a strategy for solving problem, organizing information about problem, allocation of resources, evaluating problems solving, monitoring problem solving। ना ये सब strategy है, जिसको आप देख लीजिए। Strategy for problem solving। इसमें कुछ तरीके हैं, जैसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, एल्गोरिदम के जरिए, ट्रायल एंड एरर के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व। और इनसाइट की जिसकी बात वोल्फगैंग कोहलर ने अपनी इनसाइटफुल लर्निंग में बात की थी। दीज आर द स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, वो सारे कौन से तरीके हैं जिसके जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ट्रायल एरर एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, आपको मालूम ही होगा ट्रायल एरर और लॉ ऑफ इफेक्ट के जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, आप मैथ्स में नाम सुने होगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मीनिंग होता है सिस्टमेटिक, जो स्टेप बाय स्टेप पे काम होता है ना, वही, जिसमें कई सारे प्रोसेस को शामिल होता है एक वार्डर में। एल्गोरिदम क्या होता है, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है, गारंटेड टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन किसी। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, रूल ऑफ थंब दैट अलाउज वन टू मेक जजमेंट दैट आर क्विक बट ऑफन इन एरर, मींस एंड एंड एनालिसिस। ह्यूरिस्टिक in which difference between starting situation and goal is determined then step taken to reduce। Insight में कहते हैं sudden perception of a solution to problem। कभी-कभी हम किसी problem को solve करने के लिए वो सोचते अचानक उसका जो solution हमारे mind में आ जाता है। That is the insight। Insight के जरिए problem को solve करना। अब हम लोग देखेंगे कि इस problem solving method का advantage क्या है, वो कौन-कौन से उसके फायदे हैं। तो आप इट प्रोवाइड्स, पहला फायदा इट प्रोवाइड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। अगर आपके टीचिंग की स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले होगी तो उसमें जो लर्नर्स होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली वो अपनी राय देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इट हैबिचुएट्स स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई रेगुलरली एंड ऑर्गेनाइज, है ना। इससे क्या होता है, बच्चों को एक आदत पड़ जाती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको ऑर्गेनाइज करने चीजों को। इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट गेन साइंटिफिक व्यू एंड थिंकिंग, बच्चों को इसमें साइंटिफिक व्यू मिलता है या सोचने के मौके मिलते हैं। इट मेक्स स्टूडेंट टू बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग, और बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और बच्चों को वही काम, अगर बच्चों को आप इग्नोर करोगे, सिर्फ आप पढ़ाओगे बोले जाओगे तो वो बोर होने लगते हैं। लेकिन जब बच्चों को हम शामिल करते हो चाइल्ड सेंटर तरीके से तो बच्चे में इंटरेस्ट बना रहता है, तो इसीलिए इस मेथड में बच्चों में इंटरेस्ट बना रहता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक सेंस होता है वो डेवलप होता है। It provides the student to face the problem boldly and deal with in a scientific approach, है ना, problem को identify करती है। अगला, तो ये हमारा आज का ये वीडियो लेंथी हो जाता है इसलिए मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट में क्रिटिकल थिंकिंग और भी बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो, अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आज जो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक बार ही करते हैं, रिवीजन करते हैं। हम लोग आज बात किया असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में हम लोगों ने आईक्यू के बारे में पढ़ा। आईक्यू एक क्या है, आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इस वर्ड को सबसे पहले जो दिया है एक विलियम स्टर्न ने दिया था अपनी बुक 1912, फिर बाद में अल्फ्रेड बिनेट पर भी इसमें काम किया, इसका फॉर्मूला दिया। इसको बिनेट आईक्यू टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट कहा जाता है। आईक्यू स्कोर फाइंड करने का फॉर्मूला MA/CA × 100 जाना। उसके बाद फिर एक लिस्ट देखा कि किस तरह के बच्चों को कौन से कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद आईक्यू को फाइंड आउट करने का कुछ और फॉर्मूला जाना, जैसे रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद के प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेथड है जिसके जरिए सिस्टमेटिक तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि ये एक डिस्टेंस है बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज अकरिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम लोग मिलेंगे। सबसे पहला जो साइकोलॉजी में स्टडी हुआ था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो वोल्फगैंग कोहलर के जरिए। तो आप लोग एक पॉजिटिव भी के साथ आप तैयारी कीजिए, आप जरूर JRF क्वालिफाइड करेंगे, ये पूरा आसान है, पूरा विश्वास है, अपने आप पर बिलीव करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें।